श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस 38वें वर्ष भी रामनवमी पर भिलाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी हिंदू समाज सहित अन्य धर्म के लोग भी इस महाशोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। यह जानकारी रविवार को आयोजित पत्रवार्ता में श्री राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने दी। द्वारा इस 38वें वर्ष के रामनवमी मनाने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें लगभग भिलाई के 1.25 लाख से ऊपर घरों में हमारे हजारों राम भक्त कार्यकर्ताओं ने 90 क्विंटल से अधिक एक मुट्ठी दान प्रभु राम के नाम कार्यक्रम के तहत सबके घरों में जाकर के एकत्रित किया है, और उसके जनता के द्वारा जो झोपड़ी से लेकर के महल में रहने वाले श्रमिक से लेकर के अधिकारी, प्रत्येक आय वर्ग, प्रत्येक मतों को मानने वाले लोग और प्रत्येक समाज के लोग, जो भिलाई का लघु भारती स्वरूप है उसी के समान सबने इसमें योगदान दिया है। मैं उन सबका राम जन्मोत्सव समिति की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सबको उस रामनवमी के त्यौहार में आने का आमंत्रण देता हूँ, ताकि उस महाप्रसाद का वो अपने ले सके। खास तो कुछ नहीं, लगभग 1100 से अधिक स्थानों पर जो हमारी प्रत्येक वर्ष निकलती है, इस बार मंदिरों से ध्वज निकलेंगे, मंदिरों धार्मिक स्थानों से। गेस्ट की सहमति तो मिली है, अभी कुछ देरों में ही मुझे लगता है शाम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ कारण है, जब बड़े लोगों का कार्यक्रम रहता है तो बीच में कुछ कुछ आता है, तो देखते हैं। तो गेस्ट भी लगभग फाइनल है, मुझे लगता है कल तक वो भी निर्णय हो जाएगा।